हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा सोनी ब्रेविया का टीवी और हमारे पास है सोनी का होम थिएटर। तो हम दोनों को कनेक्ट करने वाले हैं HDMI केबल के थ्रू। मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था कैसे कनेक्ट किया था केबल। तो आपको करना क्या है कि सोनी ब्रेविया के जो इसमें पोर्ट 1 है HDMI ARC लिखा होगा, HDMI के जो पोर्ट 1 है उसको कनेक्ट करना है इस केबल से, यानी उस पोर्ट में ये केबल डालनी है, HDMI पोर्ट 2 में नहीं डालनी, ये चीज़ ध्यान रखना। और वो जो होम थिएटर है उसमें एक ही आता है, ओनली HDMI का उसी के अंदर डाल देना है। फिर आगे जो टीवी की सेटिंग होगी वो क्या होगी वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। तो हम आपको जब सब पहले क्या करना है, अपने को जाना है होम वाला जो ऑप्शन है उसको दबाना है। ऑल एप्स आ गई, फिर हम जाएंगे धीरे धीरे नीचे, नीचे हमें जाना है सेटिंग में। सेटिंग में हम गए, यहाँ पे अपने को जाना है सिस्टम सेटिंग में। अब सिस्टम सेटिंग में देखिए, धीरे धीरे हम चलते आएंगे नीचे। तो पहले साउंड आएगा, फिर स्क्रीन आएगा, फिर चैनल सेटअप आएगा, फिर पैटर्न लोग आएगा, फिर आएगा सेटअप। तो हमें जाना है सेटअप में। अब सेटअप में आने के बाद यहाँ पे काफ़ी सेटिंग आ जाती है। देखो, पहले नेटवर्क आ रहा है, फिर प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, फिर फोटो फ्रेम सेटिंग आ रही है, फिर USB ऑटो पोर्ट आ रहा है, फिर इन्फो बैनर, क्लॉक टाइम्स, ऑटो स्टार्टअप, लैंग्वेज, ये सब नीचे आना है। हमें जाना है AV सेटअप में, ये ध्यान रखना AV सेटअप। अब इसके ऊपर हमें क्लिक करेंगे। अब इनमें हमें बाकी में ये तो पहले से ही हमें ऑन ही नहीं होगा। नीचे लेके आएंगे स्पीकर पे, स्पीकर पे आने के बाद यहाँ हमें सेटिंग क्लिक करना है ओके वाला। और पहले टीवी स्पीकर के ऊपर आपका जो रिमोट है वो रहेगा, आपको इसमें नीचे वाला क्लिक करके ऑडियो सिस्टम पे ओके कर देना है। तो हम ऑडियो सिस्टम पे ओके कर दिया। इसके बाद आता है नीचे एक और ऑप्शन, हेडफोन ऑडियो आउट, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो अगर आपका हेडफोन पे रहे या सबवूफर पे रहे तो आपको कर देना है ऑडियो आउट के ऊपर सेटिंग। हम ऑडियो आउट पे सेटिंग कर देते हैं, ओके कर दिया। और बाकी का कुछ ऐसा करना नहीं है, कुछ भी छेड़ना नहीं है अपने को, वापस आ जाना है। अब अपना जो रिमोट है, कौन सा रिमोट यूज करना है, जो होम थिएटर का रिमोट है उसको यूज करना है, उसी से ही फिर ये सब कुछ चलने लग जाएगी। ये हमारा होम थिएटर का रिमोट है और ये वाला जिस पे नेटफ्लिक्स लिखा है ये हमारा इसका रिमोट है टीवी का। तो अब सब कुछ जो चलेगा वो इस होम थिएटर वाले से ही चलेगा जिस पे लिख रखा है अच्छे से सोनी। तो ये सब कुछ इसी चलेगा सोनी ब्रेविया वाले से। अगर देखो मैं इसमें ऊपर नीचे कुछ भी करता हूँ, देखो ये इसी से चल रहे हैं, ये सब इसी से चल रहा है। मैंने स्विच दबा रहा हूँ, उधर चेंज हो रहा है, देखो ये सब इसी से चल रहा है। मैं साइड वाला, मैं नीचे वाला दबाया, ये देखो नीचे आ गया। तो ये सब इस रिमोट से अब चल रहा है। तो आप भी ऐसे अपनी सेटिंग कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप मेरे कमेंट करके बताओ, मैं आपको सारी हेल्प करूँगा। धन्यवाद दोस्तों। तो फ्रेंड्स, एक और शिकायत आई थी इसमें कि टीवी वाले में जब कनेक्ट हो जाता है तो टीवी में अगर आपकी आवाज़ आ रही हो कनेक्ट होने के बाद भी, तो आपको क्या करना है, इसमें जाना है आपका जो टीवी का रिमोट है इसमें, और इसमें ऑप्शन वाला जो ये स्विच है इसको आपको दबाना है। ऑप्शन वाले पे दबाएंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ गए पिक्चर साउंड, ये जो आ रहे हैं इसमें हमें नीचे आना है और हमें जाना है स्पीकर पे। तो इस स्पीकर के हम क्लिक करेंगे, स्पीकर पे क्लिक करने के बाद ओके करते हैं। ओके नहीं हो रहा, हो गया, यहाँ पे आया। तो हमें क्या करना है, टीवी स्पीकर की बजाय ऑडियो सिस्टम पे क्लिक कर देना है। और जब इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक इसकी आवाज़ उस होम थिएटर में आने लग जाएगी।